नूरपुर के चक्कीखड्ड में खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रात दिन खनन माफिया चक्कीखड्ड को खोखला करने में लगे हुए हैं। खनन की बात तो अब दूर रह चुकी है, लेकिन अब खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गांव के लोगों पर भी जानलेवा हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। गत रात खन्नी पंचायत के गांव गुदली के रजनीश मिन्हास को खनन माफिया के लोगों द्वारा लहूलुहान करके फेंक दिया गया। रजनीश मिन्हास और उनकी माता राधा रानी ने बताया कि जब वे अपने खेतों से घास काटकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने खेतों के साथ लगी जेसीबी को खनन करने से रोका। उसके बाद जेसीबी के ड्राइवर ने अपनी मशीन तो पीछे ले गया, लेकिन अपने मालिक को फोन कर दिया, जिसके उपरांत दूसरी मशीन पहुंची जिसमें कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने आते ही रजनीश की धुनाई कर दी। रजनीश ने बताया कि जो ट्रैक्टर का ड्राइवर उनके साथ था उसको भी पीटा गया और उसने बाद में भागकर अपनी जान बचाई। खनन माफिया द्वारा रजनीश मिन्हास की पिटाई की गई और उसे कीचड़ में फेंका गया। रजनीश मिन्हास को बेलचे के साथ भी मारा गया, जिससे रजनीश के सिर में गहरी चोट आई है। रजनीश को गांव वालों ने तुरंत नूरपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हम खेतों से घास काट के लाए थे और वहां पे आ गया, हमने ट्रैक्टर रोका और उनको मना किया कि मशीनें जहां मत लगाओ, पीछे ले जाओ मशीनें वाला। हमने जो ड्राइवर था वो नीचे उतार दिया, उसको बोला मशीन मत लगा जहाँ पे, पीछे ले जा वापस। और उन्होंने दूसरे अपने मालक को फ़ोन किया, उन्होंने दूसरी मशीन भेजी, जो बाकी मशीनें थे वो भागी और एक मशीन आई उसके ऊपर बंदे आए और उन्होंने आते टाइम हमारी धुलाई कर दी बिल्चों के साथ। और जो मेरा ड्राइवर था दो दिन उसको मारे, वो तो छिप गया चक्की में। मैं जैसे सामने आया उन्होंने मेरे को पकड़ा और मार मार के चिकड़े फेंक दिए, किचड़े फेंक दिए, वो मेरा सिर फोड़ दिया और कमर में लगे बिलचे के साथ मारा और बाजू बुजू तोड़ दी मेरी। कौन कौन आदमी थे इसका बता आपको? हाँ जी, नाम बता सकते हैं कौन कौन आदमी थे जिन्होंने आपको मारा है? मेरे को तो वीर सिंह का नाम है। कहाँ के रहने वाले वीर सिंह? ये परंगना के रहने वाले। और कितने लोग थे उसके साथ? रंजीश की माता राधा रानी का कहना है कि जब भी किसी अधिकारी को खनन माफिया के लोगों के बारे में सूचित किया जाता है तो सभी अधिकारी टाल मटोल करते हैं। जब माइनिंग अधिकारी से बात की जाती है तो वे बोलते हैं कि थाना में बात करो। जब थाना में बात होती है तो वे टाल मटोल करते हैं और कहते हैं कि SDM या DSP से बात करो। उन्होंने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि अब वे किसके पास जाएं। सारा माँ बेटा खेत में गए थे, बाँ में मशीनें लगी हुई थी, छे पट्ठे काट के हमने ट्रैक्टर में डाले थे। तो घर को आ रहा था मेरा बेटा और साथ में ड्राइवर जी, तो इसको आती नहीं है, ड्राइवर था साथ में। इसने बोला यहाँ क्यों मशीनें लगा रखी हैं आपने, बस इसने इतनी बात बोलने से इन्होंने हमला किया, 6-7 बदमाश लेके। और मेरे बेटे को इन्होंने बिल्कुल लंबा डाल के और बेलचे के साथ ऐसे इतना मारा कि खून पूरा लथपथ हो गया था मेरा बेटा। तो मैं अकेली क्या कर सकती थी, मैंने तो SDM को फोन किया, उन्होंने बोला कि मीडिया वालों को बोलो। चक्कीखड्ड में कहाँ मीडिया वाले उस टाइम मिल रहे थे मेरे को। तो 4 दिन पहले मैंने थाने में एप्लीकेशन दी थी, तो इन्होंने वो मेरे साथ जिद किए है, तो मेरे बेटे को इसलिए मारा है। और अगर थाने वाले को बोलो वो बोलते हैं, एमओ साहब को बोलते हैं तो बोलते हैं DSP साहब को बोलो। ऐसे इन्होंने ऐसा हमारे साथ इतनी मेहरबंदी डाली है कि हम अपने खेत में नहीं जा सकते हैं। पूरे हमारे खेत इन्होंने उजाड़ दिए हैं, दिन रात लगे हुए हैं और जब जाते हैं ऐसी धमकी देते हैं। इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, डिपार्टमेंट कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। वहीं गांव के पूर्व प्रधान व किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष होशियार सिंह व गांव के वार्ड सदस्य अर्जुन सिंह ने बताया कि खनन की समस्या काफी पुरानी है। इस माफिया का इतना खौफ
फैल चुका है कि आज सबके सामने ये नजर आ रहा है, एक बहुत ही साधारण बच्चा जो कि अपने खेतों में चारा लेने अपने ट्रैक्टर में गया था, उसकी खनन माफिया के द्वारा पिटाई की जाती है क्योंकि उसने खनन माफिया की 5-6 गाड़ियों को चक्की खड्ड में अवैध रूप से खनन करते देख लिया था। उन्होंने प्रदेश सरकार व प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध खनन को रोका जाए। आकर के बाहर गए हैं, जब पहुंचे वहां तो उन्होंने, ये बच्चा तो वैसे पड़ा हुआ था, हम उठा करके इसको ले गए असदीन साहब को, हमारी महिला मंडल प्रधान है ये राधा रानी जिसका बेटा है ये, तो इन्होंने असदीन साहब को फोन पर बताया है और बताने के बावजूद भी हमने नेको बार ये प्रशासन को लिखित में दिया है, नेको बार दूरभाष के नंबरों पर भी बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा आकर के इस बच्चे को आपने देखा है खुद क्या हालत की है। मेरी आपके माध्यम से मांग है ये प्रशासन और सरकार से कि इस खनन माफिया पर सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए इनको, ये जो बदमाश है इनको पकड़ करके जेलों की सलाखों के अंदर डाला जाए। तो हमारा यहाँ जोरों से चल रहा है और इन बच्चों ने सबने पूछा भी यार मशीन हटा के थोड़ा साइड में तो कर लो, अब बिल्कुल हमारे खेत के पास आ गए। तो उन लोगों ने जितने भी थे वो लोग इसको मारा पड़ गए बेचारे को, और उसको मारा और दूसरे थे वो तो चलो भाग गए, अच्छे थे, एक साधारण बच्चा है बिल्कुल शरीफ था। और दूसरी बात तो ये कि ये रहता भी बीमार है और इसको मार के वहाँ फेंक गए थे, जब हमको पता चला जब तक हम वहाँ पर पहुंचे तो सब लोग भाग गए थे, लेकिन इसको वहाँ मार के अपने से तो मार के फेंक गए थे। वहीं पुलिस द्वारा रजनीश का मेडिकल करवाकर मामला दर्ज कर लिया गया है।